यूपी पुलिस के सिपाही से लेकर दारोगा को अक्सर ट्रेन में बिना टिकट सवारी करते देखा जा सकता है। ये वर्दी का धौंस दिखाकर ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से रिजर्वेशन कराने के बाद सफर कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी है। वही अब एक दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह वंदे भारत एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर करते नजर आ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी में चुनिंदा रूट पर चलती है, इसके लिए यात्री अन्य ट्रेनों से की तुलना में ज्यादा किराया देकर सफर करते हैं। ऐसे में इस ट्रेन में दारोगा का बिना टिकट सफर करना और पकड़े जाने पर टीटी से भी संवाद करना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गया है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कोई दारोगा पर बिना टिकट सफर करने पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो कोई टीटी के दारोगा को टोके जाने की बिल्कुल सही ठहरा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अन्य ट्रेनों में भी बिना टिकट सफर करने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो से पता चल रहा है कि दारोगा बिना टिकट लिए ही वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हो जाता है। इसके बाद उनकी टीटी से झड़प होती है। इस वीडियो को ट्रेन में ही किसी व्यक्ति ने बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। टीटी झड़प के दौरान दारोगा को सुझाव दे रहे हैं कि आपको बस में जाना चाहिए अगर आपके पास टिकट नहीं है तो। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब टीटी वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को टिकट जाँच कर रहे थे। तभी टीटी की नजर यूपी पुलिस के दारोगा पर गई, जो सीट पर बैठे थे। उनसे टिकट मांगी थी और वर्दी का गुरूर दिखाते हुए टालमटोल करने लगे, लेकिन टीटी ने बताया कि रेलवे के कानून के अनुसार आप बिना टिकट ट्रेवल नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। जिसके बाद दारोगा ने इंटरसिटी एक्सप्रेस छूट जाने की बात कही।